महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनके पास एक ही संबल था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है कि वो संबल किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया वो श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्ति होगी, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प कर मरूंगा। यानी मुनि का श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। माता सीता की खोज में जब वो वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए। राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे तो उन्हें पूछने लगे कि सुग्रीव तुमको ये सब कैसे पता। तो सुग्रीव उनसे कहते हैं कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं थी। इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। सोचिए अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो तदन रूप व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हरेक पुष्प भी वरदान है और हरेक कांटा भी आपके लिए ना भी हो तो मानवता के लिए जरूर है। विचार कीजिएगा।